सुबह के 8:30 बज रहे हैं और जल्दी जल्दी ना हम तैयार हो रहे हैं, थोड़ी बहुत मेकअप सेकअप भी कर लेते हैं और कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं तो आगे आप लोगों से बता रहे हैं। और बहुत ही जल्दी है, बच्चे भी सब तैयार हैं और पतिदेव भी हमारे पूजा पाठ में लगे हुए हैं, आप लोगों ने थोड़ी सी देख लिया होगा, जल्दी जल्दी इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम बजा रहे हैं, पीटीएम बजा रहे हैं, जा रहे हैं। हाय कृष्णा की पीटीएम लेके लिए दोनों लोग तैयार हैं। तीनों में ना हो रहा है झगड़ा, वो कह रहा हम जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग में, वो कह रहा हम जाएंगे। यहाँ पे सभी लोग रेडी हैं, देखिए हम लोग गाँव के लिए बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं 9:30 बजे तक। रियांश बाबू क्या खा रहे हो? प्रीति ने बनाया है गर्मा गर्म कचौड़ी, देखिए। क्यों प्रीति, क्या डाल के बनाए हो इसमें? हाँ वही गरम मसाला थोड़ा सा डाल के। अच्छा, अजवाइन। बड़ी टेस्टी दिख रही है। आई खा लीजिए ना। हम नहीं खाएंगे, हम सुबह सुबह से कहाँ खाएंगे। फास्ट नहीं है, पर मैं सुबह सुबह से सब चीजें नहीं खाती। और हमारे देवर राजा टेस्टी नहीं है, टेस्टी नहीं है क्योंकि दिन है। इन्हीं से पूछे कौन सा दिन है, कौन से भगवान जी की पूजा किए हैं। आज दिन है गुरुवार, विष्णु भगवान की पूजा करके कथा करके। क्यों देवर जी बोलिए ना। यस 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 देवर, अभी क्या कर रहे हो? कथा कही है विष्णु भगवान की और बस हम लोग रेडी हो गए। लेट्स गो फॉर अब विष्णु भगवान की कथा इतना अच्छे से कहते हैं कि अगर आप लोग सुन लेना तो पंडित जी फेल है। वाकई हम तो ऊपर के हॉल में थे लेकिन नीचे पूजा कर रहे थे ना, तो हम सुन रहे थे कि विष्णु भगवान की पूजा बहुत अच्छे से कथा कहते हैं। आप लोग भी विष्णु भगवान के दर्शन करिए, वैसे भी कहीं भी निकलो तो भगवान जी के दर्शन करके ही निकलना चाहिए। यहाँ पे मीना भी लगी हुई है काम धाम में। तो अब मीटिंग हो गई और आप लोगों ने सुना कि यहाँ की प्रिंसिपल टीचर कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से बच्चों को समझाती हैं। और यहाँ पर हमारे देवर जी आगे पीछे कर रहे हैं कार को और बच्चे भी सब बैठे हों। ये लोग ना हमको छोड़ करके कहीं घूमने निकल गए थे और बच्चे सब अंदर कितना खुश हैं। तो घर से ना इतनी जल्दी जल्दी फ़ोन आ रहा है कि हमको कहाँ निकलना है, तो आगे आप लोगों से बता रहे हैं कि अब आज हम कहाँ जा रहे हैं। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमको कहाँ जाना है। स्कूल से जैसे ही आए बंगला बाजार मार्केट में, तो बच्चों का होता है ना कि माँ हमको स्लीपर चाहिए, कितने भी स्लीपर कितना भी रहे लेकिन कहीं जाना होता है ना तो इन लोगों को कुछ ना कुछ सामान घट ही जाता है, तो ये लोग स्लीपर भी ले लिए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने निकल लिया कहाँ के लिए, तो हाँ जी हम जा रहे हैं अपने गाँव होली करने के लिए। और कल हम एडिट नहीं कर पाए हैं क्योंकि सब लोगों से मिलना मिलाना, इस वजह से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला है। तो पहले हम जाएंगे रंग बिरंगी होली खेलने अपने नंद रानी के यहाँ रायबरेली। तो यहाँ पर हम दोनों या तीनों देवरानी जेठानी, देखिए प्रीति जमुहाइयाँ भी ले रही है, तो हम कह रहे हैं कि म्यूजिक बज रहा है, प्रीति कुछ अपना धूम धड़ाका करती जाओ। तो ये देखिए वाकई हमारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए कि दी
दीदी आपकी देवरानी बहुत ही क्यूट, बहुत प्यारी है। तो वाकई आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किया और कार आने की खुशी में आप लोगों ने इतनी हमको ढेर सारी बधाइयाँ दिया, उसके लिए माता रानी आपको सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। और हम भी थोड़ी बहुत देवरानी जेठानी का साथ मिल गया है तो हम भी थिरक रहे हैं। अब आ गए हम लोग रायबरेली अपने नंद रानी के घर। तो आप लोग गाइज खाइए गुजिया, और हमारी देवरानी भी आप लोगों को बुला रही है कि आइए, और होली जलने से पहले हम लोग पहले खा रहे हैं गुजिया, क्योंकि हमारी नंद रानी की सासू माँ यहाँ गर्मा गर्म गुजिया तैयार किए थी। तो ये भी हमारी देवरानी हैं, सभी मतलब हम देवरानी जेठानियों का, और होता है अपनों के यहाँ तो कितनी खुशी होती है, तो जल्दी खा पी लेते हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर होगी रंग बिरंगी होली, तो बहुत आवाज़ें यहाँ अच्छे से रंग दे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, अरे भैया वैसे भी कहाँ बचा हुआ है आप किसने? हमने सोचा कि अंदर धूम धड़ाका ना करो, चलो हम लोग बाहर मैदान में चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बाहर का मैदान बहुत ही अच्छा है, गार्डन है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेड़ पौधे फूल वगैरह सब लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं हमारी देवरानी और हमारी नंद रानी की देवरानी कितने धूमधाम से होली ये लोग खेली हैं, और हमको भी कह रहे थे, लेकिन बचते बचाते हम किसी तरह बच गए थे। हमको ये था कि पहले हम माता रानी के मंदिर में मतलब होली में होली खेलेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत इन लोगों ने अबीर हमारे लगाया, लेकिन ये खुशियाँ वाकई हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर प्रीति ने जोर तोड़ से इतनी अच्छे से होली खेली है कि मतलब देख कर कितना मन खुश हुआ। तो हमने थोड़ी बहुत वीडियो भी यहाँ की शूट कर लिया है कि आप लोगों को भी दिखाएंगे कि नंद रानी के यहाँ हम लोगों ने कैसे होली का त्यौहार मनाया। और हम देखिए पेड़ पौधों के पीछे हम छुप गए थे, और हमको कह रहे हैं कि भाभी आपके साथ नहीं खेले, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, हम वापसी में आएंगे तब खेलेंगे। तो देखते हैं वापसी में पहुंच पाते हैं। देखो जम करके होली खेली है आप लोगों ने, देखा देखे बुआ हमारे डाल रहे हैं, देखे डाल दी हैं बुआ, अभी हमको छोड़ नहीं रही हैं, थोड़ी बहुत तो हमारे पड़ ही गया के हल्का तो जाए जी। अजी लोग ना हमारे इतने अच्छे से आराम से लगाए हैं कि बिल्कुल कलर नहीं लगाए हैं, बस अबीर लगा दिए हैं। लेकिन बुआ कह रहे तुम्हारी सूनी सूनी सी जा रही हो, तो जो डब्बू में कलर देखी ना हमारी साड़ी में ऐसे डाले पड़े हुए हैं। नंद मोना कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे ही होली खेलना चाहिए। और आगे आगे सासू माँ की कार जा रही है, पीछे पीछे हम लोगों की जा रही है। अब हम लोग आ गए हैं ऊंचा हार, तो आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ का भी दिखा दिए हैं कि देखिए ये हमारा ऊंचा हार है, और इसके बाद पहुँच रहे हैं अपने महामाया धाम। गए महामाया धाम और माता रानी के भी दर्शन आप लोग करा रहे हैं। हमारी बहन ना आज दोपहर में यहाँ पर खिलाई थी सुहगली, तो ये हम चाची से बोल रहे हैं कि सब कलश वगैरह रखा हुआ है, तो चाची बोल रहे हैं कि हाँ सुहगली खिलाया गया है, तो प्रसाद वगैरह हमने सब रास्ते में ही ले लिया था। तो पहले हमारे अंदर ये खुशी होती है कि हम जब भी जाएं माता रानी के पहले दर्शन करें, माता रानी को प्रसाद चढ़ाएं, तो अपने आप को कितनी संतुष्टि मिलती है और कितना अच्छा लगता है, और यही प्रसाद फिर सबको खिलाएं। तो देख सकते हैं माता रानी कैसे हमारी गुड़हल के फूलों से सजी हुई हैं, तो हमारा मन खुश हो गया। अब प्रसाद हम सबको देते हैं, और अभी आप लोगों को ना सब बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि हमारी चाची लोग सब इतनी खुशी में आई हुई हैं। वैसे भी अपनों की खुशी कितनी अच्छी होती है,
देखिए कार की खुशी तो सब हमारा यहाँ मंदिर में ही इंतजार कर रही थी, तो हमने चाची जी को दे दिया प्रसाद, अब चाची जी सबको देंगी। अब हम चल रहे हैं घर, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अपना चारों तरफ ना कितना हरा भरा, कितना अच्छा लग रहा है, और साथ में हमारी चाची लोग सभी लोग आ गई थी। तो मिलते हैं आप लोगों से घर में। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी चाची जी यहाँ लगी हुई थी, मतलब बेसन की पपड़ियाँ बेल गईं, गेहूं की पपड़ियाँ बेल गईं, और यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं सबसे मिलना जुलना, सबको प्रसाद खिलाना। तो देख सकते हैं गाइज हमारा परिवार आप लोगों को कैसा लगा। वैसे आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट डालते हो कि ससुराल का परिवार, मायके का परिवार आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हैं देवर भौजाई का कैसे मिलन हो रहा है, ये हमारे देवर ऐसे ही हैं, भौजाइयों को पाते हैं ना तो ऐसे ही इनका मिलन होता है। और हमारी चाची जी यहाँ तैयारी करने लगी गुजिया बनाने की, तो हम सब लोग लग गए हैं। और जब सब लोग लग जाते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी में पूरे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो रवा भी भुन गया और खोआ भी भुन गया, और चाची ने ना घर में 2-3 किलो खोआ तैयार किया था, क्योंकि यहाँ पर ना अपने गांव में भैंस लगती है। और इधर हमारी सासू माँ सब्जी भी काट रही हैं, और चाची जी ने मोवन डाल लिया, मतलब देख सकते हैं मोवन डाल के गर्म पानी से ही गूँधेंगी, और देसी घी का मोवन डाली हुई हैं, तो गर्म पानी से गूँधेंगी ना तो अच्छे से आपका मैदा मिक्स हो जाएगा, वो गुलठी गुलठी नहीं पड़ती हैं गर्म पानी से अगर आप गूंदोगे। यहाँ पर हम सभी लोग लगे हुए हैं, सब देवरानी जेठानी जल्दी जल्दी तैयारी कर लेते हैं, और चाची बोल रही हैं कि हम गुजिया बनाने की तैयारी कर देते हैं, इसके बाद हम खाना बनाने लगेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, करीब 40-50 लोग हम लोग सब इकट्ठा हो गए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मीना सब तैयारी कर रही है, और हम मेवा वगैरह काट करके ऐसे सब डाल रहे हैं। और होता है ना जब फैमिली में सब लोग कुछ थोड़ी बहुत करते रहो ना तो इतनी जल्दी काम हो जाता है बातों बातों में, और मन भी इतना लगता है और टाइम का पता भी नहीं चलता है, और ये खुशियाँ ना बहुत अच्छी होती। कोई भी त्यौहार है ना तो अपने गांव में अपने परिवार के साथ करो ना तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पर हमारी चाची जी जो छोटी वाली चाची है ना, मतलब इस सब चीज़ों में ना बहुत आगे हैं बनाने में और बताने में, तो हम बहुओं का बहुत साथ देती हैं। तो ये हमने इलायची भी पीस लिया है, इलायची मिक्स कर देंगे, इसके बाद हम लोग देवरानी जेठानी सब बेलन होरसा लेके बैठ रहे हैं। कुल्हड़ वाली चाय भी बन रही है, हमारी नंदरानी कुल्हड़ वाली चाय भी ले आई हैं। तो यहाँ पर जब एडिट हम कर रहे हैं ना तो सासू माँ की देखिए घंटी भी बज गई, क्योंकि यही टाइम है और जल्दी टाइम नहीं मिलता। और देख सकते हैं हमारी ये सब पपड़ियाँ बेल गई हैं, तो देखते हैं रात में इनको निकालते हैं कि सुबह निकालते हैं। और चाची जी भी हमारी आरती कर रही हैं, और देवरानी देखिए ऐसे मतलब छोटी छोटी गोलियाँ काट लेंगे, क्योंकि गुजिया मैंने एकदम से पतली पतली मतलब पूड़ियाँ बेली जाती हैं और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग बैठ गए थे ना तो पूरा 12:30-1 बज गए थे, क्योंकि 6 किलो मैदा गूंदा गया था। और काफ़ी लंबे फैमिली में ना यही होता है ना कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनता है, तो यहाँ सब लोग मतलब हम लोग सब लोग जब लग जाएंगे तो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। तो ये चकला आप लोग देख सकते हैं, चकला कितना बड़ा चकला है, ये हमारे दादी के ज़माने का है। और देखिए कितने अच्छे से पतली पतली टिक्की बेलना चाहिए गुजिया जब हम बनाते हैं, तो वैसे भी हम बेलने में बहुत आगे हैं। तो हमारी देवरानियाँ कहेंगी कि दीदी आप बेलिए, और हम सब लोग मतलब खोए को अंदर डाल डाल करके सब पैक करके रखते हैं। तो ये ना टाइम कितना लगता है, जब सब लोग हो जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये टाइम तो बता ही दी, काफ़ी टाइम हो गया था, और यहाँ पर मीना भी गुजिया भी निकालती जा रही हैं। तो इस ब्लॉग का करना चाहते हैं एंड। जय माता दी गाइस।